अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिटगेट वॉलेट पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट है जो आपको बिटगेट वॉलेट पे मिलेंगे। ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में और बिटगेट वॉलेट में क्या डिफरेंट है, और अगर हम बिटगेट वेब 3 वॉलेट की बात करें तो इन दोनों में क्या फर्क है। बिटगेट वेब 3 वॉलेट में और बिटगेट वॉलेट में, ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटगेट के वेब 3 वॉलेट के बारे में और बिटगेट वॉलेट के बारे में। तो बेसिकली बिटगेट वेब 3 वॉलेट बिटगेट की एप्लीकेशन के अंदर ही दिया हुआ है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं, मगर बिटगेट का वेब 3 वॉलेट जो है वो सेंट्रलाइज वॉलेट है जिसको आप कस्टोडियल वॉलेट भी बोल सकते हैं। वो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट नहीं है, यानी कि वो उस एक्सचेंज के अंदर ही रहेगा। जो अकाउंट आप लॉगिन करते हैं बिटगेट की एप्लीकेशन पे, उसी अकाउंट के अंदर ही बिटगेट का वेब 3 वॉलेट दिया हुआ है, तो ये इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना आपका बिटगेट वॉलेट होता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट की, मेटामास्क की अपनी एप्लीकेशन है, उसी तरह बिटगेट वॉलेट की भी एक अलग से एप्लीकेशन है। ये बिटगेट एक्सचेंज के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, इसको बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। तो बिटगेट वॉलेट का पहले जो नाम था वो बिटकीप था, जिसको रीब्रांड करके बिटगेट वॉलेट के नाम से रखा गया है। तो अगर डिफरेंस की बात करें बिटगेट वॉलेट में और ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में क्या डिफरेंट है, तो जो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस दिखाई दिया है कि यहाँ पे आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी क्वाइन को बाय कर सकते हैं। अलग अलग चेन्स यहाँ पे होती हैं, उनकी आपको फीसेस देनी होती है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। बिटगेट वॉलेट का जो इंटरफेस है वो तकरीबन एक्सचेंज की तरह ही दिया हुआ है, आप कैसे लगेगा आप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, बल्कि ये आपका सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट होता है। सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट की अगर बात की जाए, सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आपको बैकअप के लिए कीज मिलती हैं। 12 वर्ड्स की कीज होती हैं, 24 वर्ड्स की की होती हैं, और आप अपने ईमेल पे भी उसका एक बैकअप बना सकते हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो सेल्स कस्टोडियन ये इस तरह हुआ कि इसका जो एक्सेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटगेट वेब 3 वॉलेट जो कि बिटगेट की एप्लीकेशन के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, वो सेल्फ कस्टडी वॉलेट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कस्टडी जो है वो बिटगेट वालों के पास है। अगर बिटगेट एक्सचेंज बंद हो जाती है, हैक हो जाती है, आपका जो कस्टडी वॉलेट होता है वो भी उसके साथ ही चला जाएगा, मगर सेल्फ कस्टडी वॉलेट में इसका एक्सेस आपके पास ही होता है। आपको कीज मिलती हैं बैकअप करने के लिए, आप अपने पास सेव कर लें। अगर कभी भी कोई मसला बिटगेट वॉलेट में होता भी है तो आप उसको ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, कितने इतने सारे वॉलेट है आप वहाँ पर उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मैंने आपको हाई लेवल का बिटगेट वॉलेट के बारे में इंट्रो दे दिया, और ज़्यादा डीप में नहीं जाते, चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन आपको कहाँ से इंस्टॉल करनी है, बैकअप उसका कैसे लेना है, अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरफेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन में। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो मेरा आप टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने अपने पास प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, बिटगेट वॉलेट सर्च करना है आपको। अगर आप क्रोम पे यूज़ करना चाहें तो उसकी एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है बिटगेट वॉलेट, जैसे ही आप बिटगेट वॉलेट लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई, बिटगेट वॉलेट बिटकीप अपग्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका पहले जो नाम था वो बिटकीप था, इसकी रीब्रांडिंग करके इसका नाम रखा गया है बिटगेट वॉलेट। तो इसको हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते हैं इसको। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो एप्लीकेशन यहाँ पे हो गई इंस्टॉल, अब इसको करना है ओपन। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं नहीं चाहते, इसको आप अलाउ कर दे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इसका इंट्रो आ गया कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा क्रिएट अ वॉलेट, इम्पोर्ट अ वॉलेट। तो अगर आपने पहले ही वॉलेट बनाया हुआ है, अब आप उसको दोबारा से इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई या किसी और मोबाइल में आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे करना होगा इम्पोर्ट अ वॉलेट, आई एग्री करना होगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट की देनी होगी, अगर कीलेस वॉलेट था तो आपको ईमेल सेलेक्ट करनी होगी कि किस ईमेल पे आपका वो कीलेस वॉलेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको बैक करते हैं, अभी यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट वॉलेट, क्रिएट वॉलेट करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है यहाँ पे 12 से 24 वर्ड्स जिसमें आपको मिलते हैं वॉलेट में, जो कि ट्रस्ट वॉलेट पे भी होता है और मेटामास्क वॉलेट पे भी होता है। एक तो बेसिकली ये है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 12 वर्ड्स या 24 वर्ड्स मिलेंगे, उनको आपको सेव करके रखना होगा कहीं पे लिख के,
जब भी आपको इम्पोर्ट करना होगा वही कीज आपको चाहिए होंगे, जिसको हम सीट फ्रेस भी बोलते हैं। अगर आप कीलेस वॉलेट सिलेक्ट करते हैं तो आपके ईमेल पे एक बैकअप बन जाएगा, तो जब भी आप इम्पोर्ट करना चाहेंगे तो वही ईमेल आपको लगानी होगी और आपका यहाँ पे बैकअप बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों करके दिखाता हूँ, आपकी मर्जी के ऊपर है आप कौन सा बैकअप रखना चाहेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको फर्स्ट वाला आपसे रिकमेंड करूँगा, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपकी ईमेल कभी हैक हो जाए, आप उसका पासवर्ड भूल जाए 2 साल के बाद 5 साल के बाद, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये सीट फ्रेस वाला वॉलेट बेहतर है। मगर इसमें एक चीज़ ये है कि आपको जो कीस मिलेंगी, सीट फ्रेस मिलेगा, वो आपको कहीं पर लिख के ऐसी जगह पर रखना है जो हमेशा सेफ रहे। मल्टीपल जगहों पर लिख के नोटपैड में रख दें, 2-3 जगहों पर रख दें, तो आपका ये सेफ ही रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कीलेस वॉलेट कैसे बनेगा। दोनों चीज़ें आपको करके दिखाऊँगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पिन कोड सेट करें, जो आपको काम आएगा जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी एक्सचेंज से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ से किसी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें। क्लियर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे पिन कोड सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वी आर क्रिएटिंग योर वॉलेट, वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे देखें हमारा बिटकॉइन का वॉलेट क्रिएट हो गया है, तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगा होगा हमें और हमारा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले जब भी आप वॉलेट बनाएं, जो कि कीलेस वॉलेट है, उसमें तो आपकी ईमेल लग जाएगी। अगर कीलेस के बगैर आपने सीट फ्रेश का वॉलेट सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होगा बैकअप। बैकअप के बटन को प्रेस करें, ये देखें आ रहा है टेक अ मिनट टू बैकअप, ठीक है, बैकअप करते हैं। यहाँ पे कोड लगा लें आप, ठीक है। अब ये 12 वर्ड्स आपके पास आ गए, ये आपको लिख के रखने हैं, ठीक है। किसी मोबाइल वॉलेट में नहीं रखें इसको, ऑनलाइन सेव नहीं करें, क्योंकि कभी भी आपके हैक हो सकती हैं चीज़ें। ऑनलाइन कोई भी चीज़ कभी भी सेफ नहीं होती, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको करना है बैकअप। अब ये वेरीफिकेशन के लिए आपसे पूछ रहा है कि 12 वर्ड कौन सा था, 3rd कौन सा था, 5th कौन सा था, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। मैंने 3 वर्ड यहाँ पर लगा दिए, इसको करते हैं कन्फर्म। तो यहाँ पर हमारा बैकअप कम्प्लीट हो गया। इसके इंटरफेस की बात की जाए तो ये इस तरह का इंटरफेस है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्केट का ओवरव्यू भी आ रहा है। अगर टॉप गेनर्स में आ जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स आ रहे हैं, जो भी आपको एक्सचेंज पे नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट पे आ जाएं तो यहाँ पे पूरी मार्केट की इनसाइट आ गई, प्राइजेज आ गई क्वाइन की। यहाँ पे देखें ट्रेड का ऑप्शन है, आप कैसे ले सकते हैं किसी क्वाइन को। डिस्कवर में आप यहाँ पे DApps यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेनकेक स्वैप, यूनी स्वैप और भी बहुत सारे DApps यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वॉलेट की बात की जाए तो ये रहा आपका वॉलेट, जिसका बैकअप भी हमने ले लिया है। अगर नेटवर्क आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें ऑल मेन नेट्स आ रहा है, इसको क्लिक करें और वो नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लें जिसमें आपके पास क्वाइंस हैं या रिसीव करना चाह रहे हैं या सेंड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा वॉलेट बन गया, इसका बैकअप भी कंप्लीट हो गया। अगर ऐड अ वॉलेट करेंगे तो यहाँ पे आप दूसरा वॉलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये सेटिंग आ गई आपकी, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, करेंसी है, आपकी अपेयरेंसेस में देखेंगे आप, यहाँ पे देखें लाइट मोड है, डार्क मोड है, अपेयरेंसेस में टाइम आप सेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड अकाउंट कौन सा है। अगर एडवांस सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे अनलॉक पैटर्न आ रहा है कि आप एप्लीकेशन जब भी ओपन करेंगे उसको अनलॉक कैसे करना है। यहाँ पे इन्होंने फेस का भी दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है पेमेंट के लिए, पासवर्ड फ्री प्रोटेक्टेड फीचर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे अवेलेबल नहीं होती, मगर यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब इन सारे फीचर्स को यूज़ कैसे करना है, आप सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, बाय कैसे करना है, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कीलेस वॉलेट आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये सीट फ्रेस वाला वॉलेट बनाया है, अब कीलेस वॉलेट कैसे बना सकते हैं। अब मैं दोबारा बिटगेट वॉलेट के होम पेज पे आ गया, यहाँ पे आ रहा था क्रिएट अ वॉलेट, इस पे जाते हैं, आई एग्री करते हैं। अब ये फर्स्ट वाला हमने कम्प्लीट कर लिया, अब चलते हैं कीलेस वॉलेट पे। कीलेस वॉलेट आपके ईमेल के थ्रू बनता है, तो यहाँ पे कीलेस वॉलेट सेलेक्ट करते हैं और ये बोला कि साइन इन विद गूगल, साइन इन विद ईमेल, तो मैं यहाँ पे गूगल के थ्रू करूँगा साइन इन विद गूगल। यहाँ पे मेरे गूगल के ईमेल्स आ गए, अगर आपके पास नहीं आ रही तो ऐड अकाउंट कर लें, अपने जीमेल ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे आपको 8 डिजिट का पासवर्ड लगाने को बोल रहा है, जो कि आपको ट्रांजेक्शन में भी काम आएगा और जब भी आप यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे वापस से ये अकाउंट, तो तब भी ये आपको काम आएगा। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कीलेस वॉलेट भी क्रिएट हो गया है। अगर बैकअप की बात की जाए तो बैकअप का यहाँ पे आ रहा है, बैकअप को प्रेस करते हैं। अभी आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट तो हो गया मगर उसका बैकअप नहीं हुआ है, तो बैकअप के लिए यहाँ पे आ जाए, बैकअप को प्रेस करें, ये देखें गूगल ड्राइव लगी हुई है और बैकअप लिखा हुआ है। यहाँ आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी इस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे को करते हैं बैकअप, फिंगरप्रिंट लगानी है अपनी, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ड्राइव का एक्सेस देना होगा ताकि आपके जो बैकअप है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाए आपकी ड्राइव पे जाके,
तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बिटकॉइन वॉलेट, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, आपका बैकअप क्रिएट हो रहा है, तो देखें बैकअप सक्सेसफुल आ गया। अब आपके ईमेल की ड्राइव में जाके आपका बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब आप जब भी इसको इंपोर्ट करना चाहें इजीली अपने ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। आपको ड्राइव का एक बार एक्सेस देना होता है और आपका बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये देखें हमारा वॉलेट यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट हो गया, कोई भी इशू नहीं आया। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन वॉलेट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एक्सचेंज से बिटकॉइन वॉलेट पे कोई भी फंड्स, कोई भी कॉइन कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि DApps के थ्रू आप पैनकेक स्वैप से कोई भी टोकन कैसे बाय कर सकते हैं, यूनिस्वैप से कैसे बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।